रात्रि तबी ब्रेकिंग न्यूज आवास शेयर कदालू कराची का पीपी सिंह के सदर निसार अहमद खोड़े 10 जनवरी के सिंध काउंसिल जो इजलास तलब कर वरतो है। इजलास में 27 फेबरवरी के कराची का निकलदड़ लॉन्ग मार्च की तैयारियों बाबत गौर विचार कर वो। इजलास में सूबाई अहदेदार सेंटर्स एमएनएस एमपीएस बया अगवान पिण शिरकत कदा। खबर के हवाले से अपडेट करानो तो इजलास में सूबाई अहदेदार सेनेटर्स एमएनएस एमपीए बया अगवान पिण शिरकत कदा। अहम खबर है अवास शेयर कदारो एक भेर बीहर या ब्रेकिंग न्यूज अवास शेयर कदारो कराची का पीपी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़े 10 जनवरी के सिंध काउंसिल जो इजलास तलब कर वरतो है। इजलास में 27 फेबरवरी के कराची का निकलदड़ लॉन्ग मार्च की तैयारियों बाबत गौर किया वो। इजलास में सूबाई अहदेदार सेंटर्स एमएनए सेनेटर्स एमएनए एमपीएस बया अगवान शिरकत कदा। तफसील मालूम कराची धरती टीवी कराची के रिपोर्टर शब्बीर लाशारी असा सा लाइन से मौजूद है। जी शब्बीर अपडेट कजो वधीक छा तफसील है। जी बिल्कुल, पीपी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़े 10 जनवरी से वजीराला हाउस में पीपी सिंध काउंसिल जो एक अहम इजलास कराए वरतो है। पीपी सिंध काउंसिल के इजलास में 27 फेबरवरी से कराची के कायदेगंज बाजार वहां निकलदड़ जो लॉन्ग मार्च है उनके तैयारियों बाबत गौर विचार किया वो। बुधा पे वे इजलास में पार्टी जहा सूबाई ये डिविजनल डिस्ट्रिक्ट अहदेदार उनके अलावा सेनेटर एमएनएस एमपीएस बे अगवान उसे शरीक थींदा। इन हवाले से निसारमंद खोड़े चवण है तो वफाक सरकार खिलाफ 27 फेबरवरी के कैदियों की मजार का लॉन्ग मार्च की शुरुआत कई हुई। चवण फिलहाल भुट्टे की अगवाणी में निकलदड़ लॉन्ग मार्च के काफिले में सिंध में लखे मू शरीक थींदा। चो सिंध पाकिस्तान के सिंध जहा मू ही पाकिस्तान के बचाइंदा। निसारमंद खोड़े चो तो पूरे मुल्क के आवाम में मुतालबो है तो इमरान खान की सूरत में मुल्क में यजीदी तबाही सरकार न घुर्जे। इमरान खान पीटीआई की तबाही सरकार इक्तदार में रही तो मुल्क जो देवाल निकली वो। जी शब्बीर अपडेट कर ले आवाजी वड़ी मेहरबानी। Thank you.